मणिपुर हिंसा का खालिस्तान कनेक्शन, कुकी नेता के कनाडा में दिए भाषण से अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। कनाडा में मौजूद मणिपुर के कुकी जो जनजाति समूह के एक नेता ने पूर्वोत्तर के राज्य में हो रही हिंसा पर एक भाषण दिया, इसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अगस्त की शुरुआत में कनाडा के सरे शहर के उसी गुरुद्वारे में आयोजित हुए एक इवेंट में मणिपुर हिंसा पर भाषण दिया गया, जिसका चीफ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह ने जता। ऐसे में मणिपुर हिंसा और खालिस्तानी गतिविधियों के बीच लिंक की बात हो रही है। नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के कनाडा चीफ लीन गांगाटे ने अपने भाषण में भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की। उसने कनाडा से हर संभव मदद की गुजारिश भी की। NAMTA ने फेसबुक और एक्स पर 7 अगस्त को वीडियो पोस्ट किया। हालांकि जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ने लगा, तो इस संगठन ने धीरे से इन वीडियो को डिलीट कर दिया। लीन गांगाटे ने ऐसा क्या कहा जिससे बड़ी टेंशन? तो कुकी जो जनजाति से आने वाले लीन गांगाटे ने मणिपुर में हो रही हिंसा और मेतई समुदाय को लेकर बयान दिया। गांगटे ने कहा कि 4 मई को भीड़ ने मेरे घर हमला किया और मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश की। वे 80 साल के हैं, उन्होंने हमारा घर लूटकर उसमें आग लगा दी। मेरे बड़े भाई और उसके परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ा। मणिपुर 3 मई से ही जल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 7000 से ज्यादा घरों को लूटा और जलाया जा चुका है। गांगटे ने आगे कहा कि सैकड़ों चर्चाओं के बाद भी यहाँ पर जो आगजनी है वो रुकी नहीं और घाटी में 200 गांव को खत्म कर दिया गया। प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया, मणिपुर पुलिस ने उल्टा दंगाइयों को प्रोत्साहित किया। हमें बुरी तरह से इम्फाल घाटी से हटाया गया, इसलिए हम इसे जनजाति नरसंहार मानते हैं। उन्होंने 1-7 साल के बच्चे, उसकी माँ और उसके एक रिश्तेदार को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया और फिर हमसे कहा जाता है कि हम शांति और सामान्य हालात की बात करें। NAMTA नेता ने कहा, जब भारत में ये सब कुछ हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? वह अमेरिका, फ्रांस, मिस्र गए हुए थे, लेकिन वहां नहीं गए जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांगटे ने आगे कहा कि भारत में कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, फिर वह चाहे मुस्लिम, सिख या ईसाई ही क्यों ना हो। हम भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हैं। हम कनाडा से हर संभव मदद दिए जाने की गुजारिश करते हैं। मणिपुर हिंसा का खालिस्तान कनेक्शन देख बड़ी चिंताएं। आपको बता दें कि NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी NAMTA की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है, साथ ही कुकी जो समूह के कथित खालिस्तानी लिंक पर भी नजर रखी जा रही है। लीन गांगटे के भाषण के बाद NAMTA के सदस्यों और खालिस्तानी आतंकी निज़र के समर्थकों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक की वजह से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। मणिपुर सरकार ने भी NAMTA से सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखना शुरू कर दिया है। मणिपुर के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने NAMTA के वीडियो को देखा है, यानी कि संगठन के वीडियो को देखा है। ये काफी चिंताजनक है, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास है कि मणिपुर के हालातों को ध्यान में रखते हुए हमारी खुफिया एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं। हम फिलहाल सामान्य स्थिति और शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो पर शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मगर निज़र के मामले से बड़े विवाद की वजह से हिंसा और खालिस्तानी कनेक्शन पर बात फिर से एक बार शुरू हो गई है। अब दर्शकों, जिस तरीके का ये वीडियो सामने आया, इसके बाद मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़कने की चिंताएं जारी है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।